Welcome to my channel. Don't forget to like, comment and subscribe. मेरा नाम वेणुगोपाल। सब लोगों को मेरा चैनल में स्वागत है। आज मैं यहां डिस्कस करने वाला टॉपिक वो है कैसे एक केरला वाला का हिंदी जो प्रयोग करता है ना नॉर्थ इंडिया में जाके, उसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, उसमें कैसे प्रॉब्लम्स हो सकता है, वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। मैं एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हूं। मैं 28 साल उत्तर प्रदेश का फूलपुर गांव में काम किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तभी हुआ कुछ खटराओं के बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। क्या होता है, हमारा केरला में हिंदी तीन लैंग्वेज है, इंग्लिश, मलयालम और हिंदी। हिंदी हमारे उधर पांचवा क्लास से चालू होता है। तो कैसे सिखाता है, उधर सिखाने वाले लोग भी इतना हिंदी में मास्टर कुछ भी नहीं हूं, उसको हिंदी आता है, पढ़ाने के लिए आता है, लेकिन वो कैसे फ्लुएंटली बात करना ये नहीं आता, पर बात करने में क्या दिक्कत आता है वो भी उसको मालूम नहीं है। इसलिए हम भी ऐसा सिखाए, ऐसा है अभी सिखाता कैसा है, ये क्या है, ये कलम है, इसी तरह का हिंदी हम सीखता है। सो हमारा सोच विचार क्या है, यही शुद्ध हिंदी है, यही अच्छा हिंदी है, यह हिंदी के उपयोग से हम नॉर्थ इंडिया में किधर भी जाएगा तो अपना जिंदगी आराम से गुजार सकता है, यही हमारा कल्पना। लेकिन असलियत में वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में हिंदी का जो बोलने का तरीका है ना अलग अलग होता है। अभी मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में 22 साल से सेटल्ड हूँ। मैंने जो यूपी में जो हिंदी का प्रयोग करता था उसी तरह का हिंदी बॉम्बे में नहीं प्रयोग करता है। हिंदी में मराठी का थोड़ा सा कलर है, मतलब फ्लेवर है हिंदी में, सो उसी तरह का हिंदी यूज करता है। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में क्या है, किसी को ये अपन तेरा मेरा ऐसा यूज नहीं करता है। वो मेरे इधर आने के बाद पता चला, मैं 93-95 में यूपी में था, उसके बाद मैंने 96 में बॉम्बे में आ गया, तो बॉम्बे का हिंदी थोड़ा सा अलग है लेकिन सब हिंदी है, ठीक है। तो मेरा जो दो तीन अनुभव बताता हूँ, मैं 93 में उत्तर प्रदेश का फूलपुर ब्रांच में मेरा ट्रांसफर हो गया। तो मैंने पहले उधर आजमगढ़ जिला का जो हेडक्वार्टर्स है ना, उधर एक लॉज में रहता था, वैशाली लॉज, उधर में रहता था। वो वैशाली लॉज के नीचे क्या है, वो सारा दुकान है, इससे मार्केट है सब कुछ है। लेकिन हम पहुंचते हुए उसी टाइम हमको एक स्टाव खरीदना पड़ा खाना बनाने के लिए, बिकॉज उधर का खाना हमको बराबर हजम नहीं होता था। सो हमने अपने आप खाना बनाना चालू कर दिया। उसके लिए स्टाव खरीदा, क्या क्या चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, ओके, वो जलाने के लिए मैच बॉक्स चाहिए या सिगरेट लाइटर चाहिए, ये दोनों कमरे में नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा नीचे एक दुकान में गया और उसको बोला कि मेरे को एक मैच बॉक्स दे। ये मैच बॉक्स, उसको समझा नहीं मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं बोला मेरे को एक मैच बॉक्स दे। तो वो बोला क्या, मैं बोला मैच बॉक्स, उसको कुछ पता नहीं आया, मालूम नहीं सब। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ऐसा एक्सप्रेशन डाल के दिखाया, ऐसा करके दिखाया, फिर भी उसको समझा नहीं। बाद में ये 4-5 बार मैंने कोशिश किया, फिर भी मेरा जो काम नहीं हो रहा है, तो उसको तो समझता नहीं कि मेरे को मैच बॉक्स चाहिए। तो ऐसा 4-5 बार होने के बाद वो मेरे को पूछा, साहब आपको माचिस चाहिए, माचिस? हमें बोला हाँ माचिस चाहिए। तो बोलता है ऐसा बताना चाहिए ना। तो उधर क्या होता है, थोड़ा सा भोजपुरी का जो कलर है हिंदी में, भोजपुरी का थोड़ा सा प्रभाव है, सो उसी तरह का हिंदी बोलता है उधर मीन्स आजमगढ़ में। आजमगढ़ बिहार से बहुत नजदीक है, इसलिए वो भोजपुरी का प्रभाव थोड़ा है। तो तभी वो काम हो गया। लेकिन देन बाद में क्या हो गया, हमने ब्रांच में ऐसा मीन्स थोड़ा थोड़ा उधर का हिंदी मेरे को समझने लगा, ठीक है अच्छा है।
इसमें क्या है, बीच में हमारा केरला से एक फैमिली आ गया, केरला से एक बैंक में ही काम करने वाला एक फैमिली आ गया। वो फैमिली का एक बिल्डिंग में रहता था, भाड़े पे रूम लिया। तो सामने वाला पूरा लेडीज लोग वो ये स्टाफ का वाइफ को मिलने के लिए आए। तो वाइफ को सब लोग पूछा कैसा है कैसा है, लेकिन ये लेडी सबको पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। फर्स्ट लेडी कुछ नहीं बोला, सेकंड लेडी को पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो भी कुछ नहीं बोला। तीसरे को पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो भी कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये लेडी को समझता नहीं कि यूपी में ऐसा कोई पूछता नहीं, तुम्हारा करके पूछता नहीं। सब लोग पूछते हैं आपका नाम क्या है, ये उसको मालूम ही नहीं है, बिकॉज वो केरला से हिंदी पढ़ के आया है। यही प्रॉब्लम है, हिंदी का जो पढ़ा है लेकिन वो प्रयोग में ऐसा नहीं होता है। तो ये लेडी सब थोड़ा गुस्सा हो गए, चला गया। लेकिन इसको मालूम नहीं पड़ा कि क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ बताने के लिए कोई उसके साथ कोई नहीं भी था। तो क्या करेगा वो बेचारी, ऐसे कुछ समझ में नहीं आया, सब लोग ऐसे गुस्सा करके क्यों चला गया, उसको तो मालूम ही नहीं पड़ा, ऐसा हो गया। एक दूसरा हिंदी का इंसिडेंट। तीसरा क्या है, तीसरा मेरा बैंक में मेरे को ट्रांसफर हो गया, मेरा ट्रांसफर हो गया वापस। तो मेरे को सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक ऑफिसर आ गया। ये ऑफिसर मेरा पुराना एक हमने साथ में एक ब्रांड में पहले काम किया था केरला में, तो वो आ गया। उसका उसका प्रॉब्लम है, वो सोचता है कि उसको सब कुछ आता है। तो ये जो क्या बोलता है, ये अंगूठा लगाने वाला लोग है ना, मुस्लिम लेडीज आता है, उसको पर्दा पहन के आता है। लेकिन पर्दा पहन के आने के बाद अब वो उसका थंब इंप्रेशन वेरीफाई करने का, फेस वेरीफाई करने का, मीन्स थंब इंप्रेशन एंड फेस। फोटो है कार्ड में, मेन सिग्नेचर कार्ड में फोटो रहेगा, तो फोटो को देख के एंड थंब इंप्रेशन लेके हमको पैसा देना पड़ता है। ऐसा है हमारा सिस्टम। तो क्या हो गया, ये बंदा आपके सामने मेरे सामने बैठा, मैं बोला कि हमारे जो बीच में रेस्पॉन्सिबिलिटी वापस उसको देने के लिए मेरे पास एक हफ्ते का टाइम था। एक हफ्ते के अंदर मेरे को सब कुछ उसको देना था, मैं जो कर रहा था उसको समझाने का, मैं ये कर रहा था ऐसा ऐसा करने का, सब उसको समझाने का, वो मेरा काम था। तो वो पहले दिन आ गया, तो मैं उसको बोला काम कर रहा ना, ये जो पैसा देने वाला है ना, कैश विड्रॉ करने का लेडीज आएगा और जो भी आएगा उसका, इफ अनपढ़ है तो उसका फेस देख के, फोटो में फेस सेम है के देख के थंब इंप्रेशन लेके उसको पैसा देने का, ऐसा बोला। तो ये आदमी मेरा ऐसे बैठा, एक लेडी आ गए, तो पैसा फेस दिखाने का ना, फेस देखने का ना, तो ये लेडी को पूछता है कपड़ा उतारो। ये लेडी को कुछ नहीं पता नहीं चले क्या पूछ रहा है, अगेन इसको समझा नहीं क्या प्रॉब्लम है, अगेन पूछ रहा है, बहुत ऐसा पूछ रहा है कपड़ा उतारो। ये लेडी कुछ नहीं पता, पर वो ऐसा है कि उसका पूरा ऐसा ये हो गया, ये क्या आदमी क्या पूछे। तो ये दो बार हो गया तो मेरे को समझ गया, तीसरा बार और एक बार पूछेगा तो शायद इसको मार खाए। तो मैंने बोला भाई साहब ऐसा नहीं है, आप पूछो चेहरा दिखाओ। कपड़ा उतारो का मीनिंग अलग है, उसका मीनिंग अलग है, चेहरा दिखाओ बोलने का बोला। तो ये बंदा आप आपने चेहरा दिखाओ पूछ के पैसा दे दिए। यही है हमारा हिंदी का, मैंने हिंदी सीखा वो खमड हमारे अंदर है, यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। वो जगह जगह जाता है, जो जो जगह पे जाते हैं उधर का हिंदी में थोड़ा सा फर्क होता है, इवन सेम स्टेट सेम राज्य में भी हिंदी एक जगह का हिंदी में से फर्क है दूसरे जगह। जैसे नॉर्थर्न यूपी एंड ईस्टर्न यूपी में हिंदी का थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो तो उधर मालूम, उधर पहुंचने के बाद उधर से बात करने के बाद मालूम पड़ता है ऐसा ऐसा है। लेकिन हमने जो स्कूल में पढ़ा हो हिंदी लेके चल रहा है उधर, इसी तरह यही प्रॉब्लम है। तो मेरा ये तीन इंसिडेंट ऐसा हुआ था। सुबह सब लोगों को यही बोलने वाला हूँ, किधर भी जाता है ना आप थोड़ा उधर का कल्चर उधर का रीति रिवाज थोड़ा समझने का कोशिश करिए, कोई भी दूसरा स्टेट से आने वाला, ये मेरे को बताने का है। थैंक यू वेरी मच। सब लोग मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।